दोस्तों, रेल यात्रा के दौरान कई सारे यात्रियों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या यात्रा के दौरान शराब लेकर यात्रा की जा सकती है, इसके क्या है नियम। तो आज के इस एपिसोड में इसी का जवाब आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने कई सारी वेबसाइट में, कई सारे वीडियोस में मैंने चेक किया, जो कुछ बताया जा रहा है वो भारतीय रेल के नियमों से मैच नहीं हो रहा है। तो आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाली है इसी से जुड़ा हुआ सीधा साधा सच। लेकिन उससे पहले आप सभी से दिल से गुजारिश है कि अपना छोटा सा लाइक देकर इस वीडियो बनाने की मेहनत को सफल जरूर बनाए, और दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, आपने कई सारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल के वीडियोस पर आपने ये जरूर देखा होगा जहां कही जा रही है कि 2 लीटर शराब जो है आप अपने साथ लेकर सील बंद वाली जो बोतलें होती है उनको लेकर आप यात्रा कर सकते हो। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों कि एक तो हर एक राज्य का अलग नियम होता है शराब को लेकर। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे कि बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में शराब कंप्लीटली बैन है। अगर आप कहीं और से लेकर इन राज्यों में आते हो तो यहाँ का अलग लॉ, अलग रूल्स का आपको जो है सामना करना पड़ेगा। अच्छा, आप समझते हैं रेलवे का। तो रेलवे में यात्रा के दौरान आपने देखा होगा गाड़ियों में लिखा हुआ रहता है साफ साफ कि ज्वलनशील पदार्थ आप लेकर रेलवे के परिसर में या तो फिर ट्रेन में आप नहीं आ सकते हो, साफ साफ। और जो शराब है वो अल्कोहल होता है। अगर मान लेते हैं कि एक यात्री जो है 2 लीटर अपने साथ लेके आ सकता है जो सीलबंद बोतल है, अब बैग में आपने रखी है, बोतल टूट गया, टूटने के बाद वो जो शराब है वो किसी इलेक्ट्रिक में या फिर किसी और के संपर्क में आता है जिससे आग लग सकती है, तो ऐसे में ज़रा सोचिए क्या होगा, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए शराब को कम्प्लीटली बैन किया गया है। अगर कोई यात्री शराब पीकर भी गाड़ी में दिख जाता है तो 500 रुपये जुर्माना है, साथ ही 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है अगर शराब की बोतलों के साथ देखे गए तो। इसके लिए लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो अभी के अभी 139 पर आप कॉल करिए, भाषा को अपना चुन लीजिए, उसके बाद स्टार बटन प्रेस करिए, रेलवे हेल्पलाइन से आपकी बात होगी, आप उनसे ये चीज़ें कन्फर्म कर सकते हैं। और ये जो 2 लीटर वाली नियम है वो दिल्ली मेट्रो की है, जिसको 2 साल पहले लागू कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में 1 हफ्ते पहले एक यूजर ने जब DMRC से, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जब पूछा, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जी हां, आप लेके यात्रा कर सकते हो 2 बोतल, वो भी सील पैक। तो इसके बाद ये चर्चा में आ गया था, लेकिन भारतीय रेल में ये बैन है। हालांकि दोस्तों, रेल यात्रा के दौरान कुछ शराब प्रेमी यात्री भारतीय रेल की ट्रेनों के अंदर अपना जुगाड़ लगा के शराब हासिल कर लेते हैं, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ रेलवे पुलिस फोर्स की नाकामयाबी ही समझेंगे। वैसे जो शराब प्रेमी उनको ज़्यादा वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी समझ जाएं इस नियम को, कभी फंसे नहीं यात्रा के दौरान। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।